नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि पेन NSDL से जो हम पैन कार्ड बनाते हैं उसका स्टेटस कैसे चेक करते हैं, हमारा पैन कार्ड कहाँ पे है, कहाँ अटका हुआ है, क्या प्रोसेस में है कि रनिंग में है। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं। हमें सिंपली इस पे ये हम गूगल पर सर्च करेंगे, ये हम अपने मोबाइल में भी सर्च कर सकते हैं, सर्च बार में क्रोम गूगल में, और पीसी में भी अपन जो है कि सर्च कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर हमने टाइप किया पेन स्टेटस चेक। ठीक है, और हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद में हमारे पास सिंपली फर्स्ट लिंक जो हमारे पास आएगा इसी को हम जो है ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में हमें यहाँ पर सिलेक्ट बार में सिलेक्ट करना होगी न्यू पैन कार्ड, और हमें जो एनरोलमेंट नंबर जो इशू हुआ तो होता है वो हम यहाँ पर फिल करेंगे, और ये कैप्चर हम यहाँ पे फिल करना होगी। ठीक है, तो आइए फिल करते हैं, हम और बताते हैं आपको। तो दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पे न्यू पैन एप्लीकेशन रिक्वेस्ट पे सिलेक्ट कर लिया है, और हमने हमारा यहाँ एनरोलमेंट नंबर डाल दिया है, और यहाँ पे हमने कैप्चा फिल किया। ठीक है, तो अब हम सिंपली सबमिट पे हिट करेंगे। सबमिट पे जैसे हिट किया तो ये हमारे पास ना हमारा जो है पैन स्टेटस, इसका जो स्टेटस आ गया है कि हमारा पैन कार्ड जो है अंडर प्रोसेस। ये दिखा रहा है हमें, योर एप्लीकेशन इज अंडर प्रोसेस एट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो अभी ये हमारा पेंडिंग में है, कुछ समय लगेगा। ऐसे इस तरीके से हम जो है हमारा पैन स्टेटस देख सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो मोबाइल पर भी देख सकते हैं गूगल क्रोम पर, और चाहे लैपटॉप जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं उसमें आप जो है सिंपली इसको सर्च कर सकते हैं और अपना पैन स्टेटस देख सकते हैं, NSDL हो या UTI हो। ठीक है, धन्यवाद।